जी गुरु जी, मेरा जो काम वगैरह है वो भी पूरा दिन पे दिन में लगातार 2-2.5 साल से बिल्कुल चौपट होते चला जा रहा है। मैं इतना अपने आपके चूंकि संबंध सबसे खराब हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, मैं सबके लिए सोचता हूँ पर पता नहीं क्यों मैं ऐसे लगता है कि कोई मुझे समझता ही नहीं है। अब सब समझेंगे, तुम भी दूसरों को समझोगे, लोग भी तुमको समझेंगे। वर्तमान में रहने की आदत नहीं आदमी को। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और गुरुजी, मैं मध्य प्रदेश छतरपुर से आया हूँ। मेरे डीएनए में 7 लोग हैं। इस समय पे मैं अपने परिवार के 5 सदस्यों को लेके आया हूँ। गुरुजी मैं पागल ही हो गया हूँ एक हिसाब का, क्या बोलूं आपको। यहाँ से जिस दिन पहले दिन देखते आए उसके दिन से मैं पागल होते होते बच रहा हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा गुरु जी। खुश रहो बेटा, अभी देखो आज क्या क्या नष्ट किया गया है। देखो सब गंदगी गई, तमाम रोग उनके कष्ट नष्ट हुए और तमाम रोगी स्मृतियां नष्ट हुई। देखिए क्या क्या था आपको, और यही बच्चों में आपके जा रहा था, बेटों में। बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियां थी, यूरेटर में पस भर रहा था, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, एंजाइटी डिसऑर्डर था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, नशा करने के लिए प्रेरित करने वाली स्मृतियां थी, माइग्रेन पेन होना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, रक्त दूषित हो रहा था, ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर बन रहे थे, बोन टीवी की स्मृतियां थी, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, अंडकोश में सूजन व दर्द होना, दुर्घटना कराने वाली स्मृतियां थी, किडनी में सूजन था, हृदय के वॉल में सूजन, कैंसर की स्मृतियां थी, लंग्स में, प्रोस्टेट में, लीवर में, आंतों में, कोलोन में, भोजन नली में और रेक्टम में। बड़ा पागल बनाने वाली स्मृतियां थी। बिल्कुल गुरु जी, बुद्धि बंधी हुई थी, ये सब नष्ट हुई। बिल्कुल गुरु जी, पहले दिन मैं देखने आया था, उस दिन मैं बहुत हताश हो गया था, पर पता नहीं कैसी आपकी कृपा है मुझे ऐसा मार्गदर्शन होता चला गया। मैंने सब कुछ झोंक दिया पर आपसे मुझे मिलना ही था। पर जिस दिन मैं गया उस दिन मैं बिल्कुल ऐसे रात को तड़पड़ा रहा था कि मैं पागल हो गया हूँ, मुझे कुछ ना कुछ होने वाला है। फिर मैंने जिद करके मम्मी पापा से विरोध करके यहाँ पे आया। मैंने कहा मैं अगर कुछ दिन और रह गया ना तो मैं कुछ खत्म ही हो जाऊंगा सीधा सीधा, मेरे को इतना पता था। बिल्कुल बेटा, आत्महत्या करने के विचार आते थे, नशा कराने वाली स्मृतियां थी, प्रेरणा देने वाली थी, नशा करो, है ना, अकाल मृत्यु की स्मृतियां थी, असाध्य रोग आपको हो रहे थे, संक्रमण हो गया था, वजन दिन पे दिन घटता जा रहा था आपके शरीर का, सूखते जा रहे थे, ये सब आज से स्मृतियां नष्ट हुई। अब सब अच्छे हैं जी गुरु जी। कल एक महाहवन करिए, दरबार की ओर से निशुल्क है जी गुरु जी। मेरा जो काम वगैरह है वो भी पूरा दिन पे दिन में लगातार 2-2.5 साल से बिल्कुल चौपट होते चला जा रहा है। मैं इतना अपने आपके चूंकि संबंध सबसे खराब हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, मैं सबके लिए सोचता हूँ पर पता नहीं क्यों मैं ऐसे लगता है कि कोई मुझे समझता ही नहीं है। अब सब समझेंगे, तुम भी दूसरों को समझोगे, लोग भी तुमको समझेंगे। अब वो सब गंदगी गई, अपना काम कर पाएंगे। कल महाहवन करिए दरबार की ओर से, जो निःशुल्क है। धन्यवाद। उसमें आप रहिएगा, अपने माता पिता में से जिसको ज्यादा कष्ट हो उसको रखिएगा, ठीक है जी गुरु जी। और अपनी पत्नी को। गुरु जी एक समस्या और थी, मेरे जो माता पिता है थोड़े वो आक्रामक बने रहते हैं और उसमें मेरी माता जो है वो संतोषी माता का व्रत रखती। गंदगी के कारण बेटा ऐसा रहता है, और कोई खराब नहीं होता है, स्मृतियों से ही खराब होता है। गुरु जी वो सुनती नहीं है, कहना ही नहीं मानती है वो लगातार। कोई बात नहीं, फिर भी माँ है ना वो। मैं गुरु जी इसलिए सम्मान करता हूँ, जब वहाँ पे संकल्प के लिए डीएनए के लिए बोला गया था तो मैंने अपना धर्म निभाया। मैंने कहा कुछ भी हो जाए मेरे को मेरा परिवार चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो उनमें से माँ को रख लो अपने, ठीक है। कल महाहवन करो, खुश ठीक है। आप रहेंगे, धर्म पत्नी रहेंगी आपकी उसमें, और माँ। गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए हीरो, कैसे हो? मुझे इतनी काबिलियत दीजिए कि मैं 100 में से 100 मार्क्स लेके आऊं। अपने पापा को कभी नहीं डांटूंगा। खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए, खूब जल्दी से बड़े हो जाओ और अपने मम्मी पापा की खूब सेवा करो, देश की भी सेवा करो। 100 में 100 नंबर ला सकते हो आप। हाँ हाँ, ऐसा दरबार ने आपको कॉन्फिडेंस दिया है। खूब पढ़ोगे, पढ़ा लिखा कभी कुछ नहीं भूलोगे, बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे।
जो पढ़ते जाओगे सब याद रहेगा, जब परीक्षा देने जाओगे सब कुछ याद रहेगा, पढ़ पाओगे, लिख पाओगे, उत्तर दे पाओगे, बोल पाओगे, सब कुछ याद रहेगा, कुछ नहीं बोलोगे, सब लिख पाओगे। हैं? धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो। अब मोबाइल देखने का मन कर रहा है? नहीं। खुश रहो, खूब खुश रहो। हाँ भाई, कैसे हो? अच्छा। अच्छे हो, स्कूल जाते हो? हाँ। अच्छा, तो अब स्कूल जाना है, पढ़ने जाना है कि नहीं? जाना है। मोबाइल देखना है? नहीं, नहीं देखना है। अच्छा, खुश रहो, खूब प्रसन्न, मस्त रहिए, खुश रहिए। हरी हरि। खुश रहो बेटा, दे दो उसको। प्रणाम गुरुजी। सेना है। खुश रहो बेटा। ये बेटा स्वभाव के भी कष्ट थे जो नष्ट हुए, और स्मृतियां भी नष्ट हुई रोगी सब। सिर दर्द की स्मृतियां थी, पेट में दर्द और जलन होना, श्वास फूलना, चक्कर आना, कमर में दर्द होना, सुनकर पूरा ना समझने देने वाली स्मृतियां थी, आंखों में जलन होना, धुंधलापन आ रहा था, ओवरी में इन्फेक्शन, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, सर्वाइकल में दर्द होना, हाथ पैरों की मांसपेशियों में जकड़न होना, कमर में दर्द और जकड़न होना, गंदे सपने आना, गंदे स्पंदन होना, उल्टी आना, सिजोफ्रेनिया था, अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, गर्भाशय में गांठें बन रही थी, कैंसर की स्मृतियां थी, गॉल ब्लैडर में, यूट्रस में, कोलोन में, रेक्टम में और गले में। ये सब अब नष्ट हो गई। कल महाहवन करो तो इनकी स्मृतियां भी नष्ट हो गई। ठीक है, आपको एक कष्ट तो नहीं बचा शरीर में? जी नहीं। खुश हो बेटा, खूब खुश। गुरुजी, लेकिन जो बात बात पे गुस्सा आता है वो नहीं हो रहा। आप देखो गुस्सा आ रहा है? पूछो तो नहीं। एक दूसरे को देखो, आप कैसा लग रहा है देख के एक दूसरे को? पहले जैसे चिढ़ होती थी आपस में, आपस में देख के चिढ़ होती थी, नफरत होती थी, घृणा होती थी, दूर रहने का मन करता था, अकेले रहने का मन करता था। अब एक दूसरे को देखो, ऐसा है क्या कुछ? नहीं। खुश हो। ओसीडी थी बेटा, समाप्त हो गई। कल महावन के लिए। गुरुजी, एक बात पूछनी थी अपने भाई के बारे में जो। नहीं, गलत। वो अलग डीएनए बेटा, गंदगी आप में आएगी, वो डीएनए अलग है। सिर्फ पूछना था गुरुजी, विनती है, बता दीजिए थोड़ा सा। तो गंदगी अंदर आएगी, उसके लिए तैयार रहो। सिर्फ पूछना था थोड़ा बहुत। गंदगी अंदर आएगी, उसके लिए तैयार रहो। पूछ सकती हूँ, वो अलग डीएनए है। मतलब वो घर छोड़ के चला गया था, बस इतना जानना है कि वो वापस आएगा या नहीं। नहीं, उसकी बुद्धि नहीं काम करती, वो पागलों की तरह बिल्कुल है। अत पगला है वो गया है तो पागलपन की स्थिति में घर से गया है। और वो हमेशा आदि बेहोशी में रहता था, किसी की हत्या कर सकता, आत्महत्या कर सकता था, पागल जैसा था। ओम, प्रार्थ गंदगी नष्ट करके वापस भेजिए भाई। चलिए, खुश हो।